the doctors, everybody here. I've also gotten to meet some of the soldiers and the first responders, and what a group. I also think we're going to pay a little surprise to some of the great patriots that we have out on the street, and they've been out there for a long time, and they've got Trump flags, and they love our country. So I'm not telling anybody but you, but I'm about to make a little surprise visit, so perhaps I'll get there before you get to see me. I learned a lot about COVID. I learned it by really going to school. This is the real school. This isn't the let's read the book school. And I get it and I understand it. को खादी की कुल मिलाकर 1,02,19,496 रुपए की बिक्री दर्ज हुई, जो कोरोना महामारी की मौजूदा स्थिति को देखते हुए बहुत अधिक है। पिछले साल 2 अक्टूबर को इस बिक्री केंद्र से कुल 1.27 करोड़ रुपए की बिक्री हुई थी। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने महात्मा गांधी की 151वीं जयंती के अवसर पर अपने सभी उत्पादों पर 20% की विशेष प्रथागत छूट देने की शुरुआत की है। पीएम मोदी की खादी खरीदने की लगातार अपील के कारण बड़े पैमाने पर खादी की बिक्री हुई है। इसके अलावा जनता में, विशेष रूप से युवाओं में, खादी की बढ़ती हुई लोकप्रियता ने भी इसमें योगदान दिया है। कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान लगभग सभी 6,74,987 effective implementation of center's strategic and graded test, track and treat approach has led to higher recoveries and lower fatality. Currently, India's case fatality rate is at 1.59%, which is one of the lowest globally. According to Indian Council of Medical Research data, a total of 6,74,36,031 samples for detecting COVID-19 infections have been tested till September 23rd. Of these, 11,56,569 को संयुक्त राष्ट्र महासभा के सत्र में भारत कई मुद्दों पर जोर देगा, जिसमें आतंकवाद से मुकाबले पर वैश्विक कार्रवाई की मजबूती को प्रोत्साहित करना शामिल है। इसके अलावा भारत प्रतिबंध समिति में उद्यमों और व्यक्तियों की लिस्टिंग और डीलिस्टिंग की प्रक्रिया में और पारदर्शिता पर जोर डालेगा। स्थायी विकास और जलवायु परिवर्तन से संबंधित मुद्दों पर भारत अपनी सक्रिय भागीदारी जारी रखेगा। स्वास्थ्य सेवा प्रदाता के रूप में अपनी भूमिका को प्रोत्साहित करते हुए भारत कोविड-19 के खिलाफ वैश्विक सहयोग में अपने योगदान को उजागर करेगा। इस साल 2020 में महिलाओं पर चौथे विश्व सम्मेलन की 25वीं वर्षगांठ भी है। ऐसे में भारत महिलाओं के नेतृत्व वाले विकास में अपनी प्रतिबद्धताओं और उपलब्धियों को दोहराएगा। दक्षिण विकास भागीदार के रूप में भारत की भूमिका पर भी जोर दिया जाएगा। विशेष रूप से भारत संयुक्त राष्ट्र विकास साझेदारी निधि के संदर्भ में जोर देगा। इन दोनों नेताओं को श्रीलंका में संसदीय चुनावों के बाद और समय समय पर अनुकूल संबंधों के संदर्भ में द्विपक्षीय संबंधों के व्यापक ढांचे की व्यापक समीक्षा करने का अवसर देगा। श्रीलंका के प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे ने एक ट्वीट का उत्तर देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहा कि वे संयुक्त रूप से द्विपक्षीय संबंधों की व्यापक समीक्षा करने के लिए आशान्वित हैं। पीएम ने कहा कि हमें कोविड के पश्चात की समयावधि में अपने सहयोग में और वृद्धि करने के मार्ग खोजने चाहिए।